वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हो गए घड़ी में 3:30 और ये जो हमारी माता जी है ना, इनको 24 घंटे जो कि ठंडी लगता रहता है, दिन भर खाली चदर होकर सोई रहती है। कुछ बोली नहीं मम्मी, वरना वैसे अब बोलता ना कहती काम कौन करता है तब। यहाँ पे आरो अपना क्राफ्ट विफ्ट लेके बैठ गए। 12 बजे का बोर्ड है, नींद लग रहा है, नींद लग रहा है 3:30 बजे। जब जब आग लग जा रहा है तब तक ये लोग दरवाजा खोल के कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बार बार खुल जा रहा है। उसके बीच मेरी चाची की लड़की का फोन आ गया, उससे बात करने लगी। अभी तो मैं सोच रही हूँ 1 घंटा पहले लेट लो। और इन लोग को ठंडी नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ठंडी लग रही है। देखते हैं, फैन भी बंद है। और इधर जब जब आग बंद कर रही तब तक देखिए मैं आग बंद करके जैसे लेटी ऐसे ये देखिए ब्लॉग भी शूट कर दिया। आरो क्या कर रहा है यहाँ पे, क्राफ्ट वगैरह बना रहा है। तो आप जुड़े रहिए, अब ब्लॉग में मिलते हैं कुछ देर। गाइस शाम के समय हो गए, मैं सो के उठ गई हूँ और इधर देखिए मैं टेरिस पे आ गई हूँ। थोड़ी सी घर बन रहा है, पूरा टेरिस का ढलैया हो रहा है। गाइस रूम बन रहा है इधर, जस्ट रूम के बगल में ढलैया हो जाएगा तब देखेंगे। और मैं सोची कि आज थोड़ा सा मूड फ्रेश, क्या सो के उठी, आर्यन है नहीं, गया है, कहाँ गया है पता नहीं। हम लोग सो रहे थे, वो कहीं चला गया होगा, फ्रेंड के पास ही गया होगा। और मैं सोची 1-2 रील्स बना लेती हूँ। आ गई हूँ आरो को भी लेके, मैं बनाती हूँ। आ गया आर्यन, जैसे ही आर्यन का नाम लिया आर्यन भी आ गया इधर। देखिए कहाँ गए थे, ऐसे ही गया था उसको कि मतलब हम लोग सो गए, तुम लोग दरवाजा बंद करके निकल गए। मैं थोड़ी ना, तब आप जागी थी जब मैं गया। नहीं हम नहीं जाग रहे थे। तो गाइस जा रहे हैं अब आर्यन आगे, 1-2 रील्स बना के फिर मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे काम भी बहुत है। अभी काम तो डेली रहता है, पता नहीं मुंह में कैसे पूरा छाला हो गया। हमको आरो जलजीरा खा रहा था, मैं उसका जलजीरा लेके खा ली, पता नहीं क्यों किसी का भी जूठा मुझे लगता है। तो तुरंत तो फिर याद आया कि हम आरो का जूठा खाए थे, इसके लिए ऐसा हुआ है। A few moments later. गाइस इधर देखिए शाम के 7:30 बज रहे हैं और इधर इन लोग का पानी पूरी खाने का मन कर रहा था। मेरा खाने का मन किया तभी आया। इधर पानी पूरी ये लेके आ गए। यहाँ के पानी पूरी में देखिए मीठा चटनी और ये है सेव चम्मच लेकर, और इसमें कांदा है, इसमें पूरी है। तो सब लोग निकाल रहे हैं, जाओ चम्मच लेके आओ, पानी पूरी का ये लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं कैसे खाऊंगी, मेरे मुंह में तो पूरा तीखा तीखा लगेगा। मत डालो, देखो पूरा अरे जले क्या, चम्मच से क्या पूरा गिरा रहे हो। चलो मम्मी लो खाओ, आप टेस्ट करो। मम्मी क्या खाए, अरे भैया देखो मेरा उसको भरो। आर्यन मुझे खिला रहे हैं भर के। अब नहीं तीखा तीखा लगेगा तब इसका तीखा वो तो। लो लो पहले ही नजर लग गया, बंद करो तो। देखिए खाते खाते तब से लाइन ही कट गया। मैं पकड़ बड़े दिन के बाद लाइट कटा है। पानी पूरी खाने में घर का दशा एकदम बिगाड़ दिए हैं ये लोग। खाना बनाने के लिए मम्मी यहाँ पे रेडी हो गई हैं और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, यहाँ पे कुकर चढ़ा दिए। लगता है मम्मी आज बनाने वाली है छोले वोले, कुछ बनाने वाली हैं। क्या बनाने वाली हो मम्मी? जब लगता है तो लगता है, तुम्हें लगता है मम्मी छोला बना रही है, छोला ही बना रही है समझ। क्योंकि ऐसा इस पर कलर ही आ गया ऊपर ऊपर इसके कुकर के। कैसा कलर वहाँ पे देखो, जैसे छोले जैसे नहीं लग रहे हैं, मसाला लगा है ना। और उसके साथ क्या बना रही हो? क्या बनाऊँ अभी, कमेंट आने लगेगा कि क्या है। आप ऑयली गाइस हम लोग ऑयली चीज़ क्या खाते हैं, कभी कभी वही इन लोग के लिए पूरी पराठा बना देते हैं। हम इतना दिन हो गया, तो उस दिन भजिया बोले थे ये लोग, भजिया छान दी तो छोला के साथ अक्सर पूरी ही अच्छे लगते हैं। आर्यन का मन था कि भटूरा बनाने के लिए, लेकिन गाइस वो मैदे का होता है और एक खा लो तो मन भर जाता है। इसके लिए ना क्या है, मैं बोली नहीं पूरी छान देती हूँ पूरी से खा लेने का, कढ़ाई में चढ़ाई नहीं हूँ, कढ़ाई धो के रखती हूँ उसमें पूरी छानने के लिए। अभी चढ़ाई नहीं हुई तो आटा ही गूंथ रही हूँ, इधर गूंज उज के सीटी लगाती हूँ भाई। और हमें तो भूख भी नहीं है, ये लोग पानी पूरी लाए केवल
तीन पूरी खाई हूँ ना, तीन पूरी खाई हूँ, पेट एकदम भर गया। तो अपना अपना खाना बन रहा है गाइस, आप जुड़े ब्लॉग में खाना बन जाता तो आप अच्छा, सबको दिखाते हैं। तुम अपना बना रहे हो क्या? नहीं, जैसे बता रहा हूँ अपना खाना बन रहा है। देखिए मम्मी, ये क्या धोखाबाजी? देखिए आप पूरी बन रहे हैं, धोखा कर दी मेरे साथ। बोले थे ना भटूरे बना, मैदा हमको नहीं खाने में मन करता है। हाँ तो भटूरे बना देती ना। उस दिन देख रहे एक तो एक के वो खाई है हमको। हाँ तो एक तो एक खो में पेट भर जाता, तीन तो बना देती, तीन तीन चार तो बना लेती। गरम गरम पूरी छान दे। पूरी में क्या होगा, मेरे को वही भी चाहिए। The next morning. Good morning family, श्री शिवाय नमस्तु भयम। सुबह हो गई है, आज है नागपंचमी। सबसे पहले आप सबको नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस इधर देखिए और स्कूल से आ गए हैं, कैसे लेटे हुए हैं। और इनके लिए मैं नाश्ता में पोहा बना दी। मैं बोली सुबह क्योंकि अरे आज नागपंचमी था, गैस को जलाना नहीं चाहिए। जब से दूध लावा नहीं चढ़ता है तो दूध आर्यन गया था मंदिर, गया दूध लावा चढ़ा के आया, फिर घर में चढ़ाया, फिर स्कूल गया। क्योंकि दोनों लोग का पेपर चल रहा है तो उस समय कुछ बन नहीं सकता था। तो अभी घड़ी में देख सकते हैं 10:10 बज रहे हैं और हम नाश्ता बना दिए हैं। देखो नाश्ता बना दिए हैं, आराम से लेटे हुए हैं और कपड़ा भी सब लगा के प्रेस भी उतना कर ली। ये लोग स्कूल चले गए थे। हाँ भैया आएगा 10 बजे। हाँ तो खाओ ना, ठंडा हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। और जस्ट अभी बना के इनको निकाल के दे रही हूँ। किचन में जाओ तो गर्मी लगती है। अरे पंखा तो गाइस देखिए मम्मी करेला और क्या है। तो गाइस अभी को फोन आया था, मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आ रही है अचानक से, सरप्राइज। आज नागपंचमी में अरे दिन, और फिर मैं क्यों रो रही हूँ क्योंकि आँख में प्याज बहुत तेज लग रहा है। मेरा खाना बन गया है गाइस, लेकिन क्या तो जा रही फिर से खाना बनाने। अब खाना का समय है, अच्छा नहीं लगता है कि कोई मतलब ये होता है ना कि कोई आ रहा है तो फिर दोपहर का समय है। अपना फर्ज जो होता है वो मैं अदा कर रही हूँ। और यहाँ देखिए मैं अपना, मम्मी मेरे लिए पोहा बनाती है लेकिन मैं ये वाला पोहा खाता नहीं। गाइस कब से बना के दिए, अभी तक खाए नहीं है, पूरा पोहा ऐसे पड़ा है। और आर्यन भी अभी तक नहीं आया। हाँ तो अभी देखिए 10 बजे का टाइम, तो देखिए कितना बज रहा है अभी। 11 बजने जा रहे हैं ना, तब तक आप ब्लॉग में जुड़े रहिए। इधर देखिए आर्यन भी आ गए हैं, इनको जैसे ही पता चला कि इनकी आंटी जा रही हैं बहुत खुश हैं, बोले आज क्लासेस नहीं जाएंगे। उनका क्यों नहीं जाओगे क्लासेस। और इधर हमारा खाना भी बन गया है, चावल बन गया, सब्जी बन गया, और इधर देखिए करेले की सब्जी बन गई है और दाल भी हो गया है, चावल इधर बन गया है। अभी आटा गूंथ के रोटी बनाने जा रही हूँ। उनके आने से पहले मैं खाना पीना सब रेडी कर देती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आएंगे तो मैं आप सबसे ज़रूर मिलवाऊँगी और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।